बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो के लिए मैं आपको यह बताया जाता है कि लहसुन और प्याज से थ्रिप्स के लिए कौन सी जहर इस्तेमाल करना बेहतर है। नाज़रीन, आपको पता है कि प्याज का रेट ज़्यादा होने की वजह से इस साल हज़ारों एकड़ के ऊपर प्याज लगा हुआ है। लहसुन का भी, लहसुन के ऊपर भी मार्च अप्रैल के दौरान थ्रिप्स का शदीद हमला होता है। तो इससे बचाव के लिए हम देखें, सबसे बेहतर जहर जो है ना वो तो रेडिएंट ही है, यानी कि स्पिंटोरम या डेलीगेट है। डेलीगेट या रेडिएंट जो है ये सबसे बेहतर है। इनका दौरानिया जो है ना कंट्रोल का, ये काफ़ी दिनों तक बरकरार रहता है, बल्कि एक दो स्प्रे से बेड़ा पार हो जाता है। हल्की जहरें जो है ना, क्लोरफिनापायर है या कोई भी, चार पांच मरतबा भी करेंगे तो एक तो नुकसान भी हो जाता है, फिर पूरी तरह फिर भी कंट्रोल नहीं होता, ये याद रख लें। बल्कि अब ये चूँकि हम माड़े बंदे के लिए, ये तो बड़ी महंगी जहर है रेडिएंट, तो उसके लिए क्लोरफिनापायर ही ले लें, लेकिन उसको जो है इफेक्टिवली यूज़ करें, कॉम्पल के अंदर इस्तेमाल करें। उसका हफ्ते में दो मरतबा स्प्रे करेंगे तो वो रेडिएंट के एक स्प्रे के बराबर उसका रिजल्ट होगा, और उसको भी कॉम्पल के अंदर पहुंचाना ज़रूरी है। तो क्लोरफिनापायर की अच्छी एक किस्म है, पायरेट स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी महंगी है। तो भर कैफ क्यूरा क्रान का रिजल्ट भी अगरचे बेहतर है, लेकिन याद रखें कि महंगी दहरों के मुकाबले में मैं अर्थ करता हूं कि प्रो एक्सेस जो है ना, अब रेडिएंट के मुकाबले में मैं आपको दूसरे उसके अल्टरनेट बताता हूं। प्रो एक्सेस जो है ना, गैमा साई हैलोथ्रिन 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, अगरचे ये गुलाबी सुंडी के लिए कपास की जहर है, लेकिन मेरा ये तजर्बा है कि लहसुन और प्याज के थ्रिप्स के लिए ये एक मिसाली जहर है, कीमत भी इसकी खासी कम है। देखें, चलतू फिरतू किस्म की क्लोरफिनापायर या इधर उधर की अमीडा शमीडा, ये आप स्प्रे करेंगे एसीटामेप्रेड, उससे थ्रिप्स नहीं मरतबा। ये थ्रिप्स जो है ना, ये सख्त जान हो चुका है। एक तो ये छुपा होता है, दूसरा ये है कि ये माड़ी दवाइयों को झाग चुका है, उससे नहीं मरता। तो बेहतर यही है कि प्रोएक्सिस इस्तेमाल करें या रेडिएंट को तरजीह दें। कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे इको बार, ये चीज़ पेश नज़र रखें। यह ना हो कि हम चार या पाँच स्प्रे भी कर लें, नुकसान भी करें, मंग भी मंगी तो रही भी नंगी। इसमें थ्रिप्स को ईजी नहीं लिया जा सकता, ये कॉम्पल के अंदर छुप के बैठा होता है। कॉम्पल के अंदर पानी पहुंचाने के लिए ज़्यादा 200 लीटर पानी फी एकड़ इस्तेमाल करें। धूप चढ़ी गई हुई के ऊपर स्प्रे करेंगे तो फिर ये क्लोरफिनापायर से भी मैनेज हो जाता है। तो ये याद रखें कि प्रोएक्सिस मैं समझता हूँ कि दी बेस्ट प्रोडक्ट है।